पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबक कप्तान मोहम्मद हफीज डिफेंस लाहौर में रहते हैं। खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। चौंतीस साल उम्र का बेशतर हिस्सा सरगोधा में गुजरा। छोटे शहरों के टैलेंट को बड़ा क्रिकेटर बनने में कितनी मुश्किलात पेश आती हैं? ज़्यादा मुश्किलात ये होती हैं कि आपको अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो उसका सफ़र तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा लंबा है। उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो लाइफ के अंदर सेक्रीफाइस की हैं। क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी? सबसे पहले मेरी अपनी स्टडी थी कि मैं इंजीनियर बनना चाह रहा था, लेकिन फॉर सम रीज़न जब मैं क्रिकेट में आया तो दोनों को साथ लेके चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। तालीम कितनी हासिल कर सके? ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैं नहीं इसको कंटिन्यू नहीं कर सका। क्रिकेट में सिफारिश कितनी चलती है? मैं इस पे बिलीव नहीं करता, मैं टोटल बिलीव करता हूँ हार्डवर्क पे। अपने हार्डवर्क के ऊपर ही मेरी सारी अचीवमेंट्स हैं। पाकिस्तानी टीम की तरफ से 36 टेस्ट, 146 वनडे और 58 टी20 खेले। अपने कैरियर में सबसे ज्यादा इत्मीनान बख्श लम्हा कौन सा था और सबसे मायूस कुन कौन सा? नंबर वन ऑलराउंडर का टैग लेना, वो मेरे लिए बड़ा इत्मीनान बख्श लम्हा था। नाकामियां भी हुई हैं बहुत ज़्यादा लाइफ में, मैंने बहुत ज़्यादा जगहों पे जो है वो ठोकरें भी खाई हैं, और ठोकरें खा के जो इंसान सीखता है वो ज़्यादा देर पा रहता है। बतौर कप्तान टी20 आपने कुल 29 मैच खेले, 18 जीते, 11 हारे। हर जीत तो होती रहती है, आपने इस्तीफा क्यों दे दिया? अवाम की उम्मीदें जो पाकिस्तान टीम के साथ थी इस टूर्नामेंट के अंदर, हम सब लोग मिलकर उसको पूरा नहीं कर सके, क्योंकि मुझे जो रिएक्शन मिला पाकिस्तान अवाम का वो शायद ऐसा था कि वो उनके लिए एक्सेप्ट करना ये मुश्किल था। तासुर तो ये है कि आपको इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, कुर्बानी का बकरा बनाया गया। लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैंने ये फैसला खुद किया। पाकिस्तान में तो इस्तीफे की रवायत ही नहीं, आपने कैसे ये हौसला कर लिया? चले मैंने तो किया जी। मुस्ताफी हुए तो कौम से गलती की माफी मांगी, वो गलती कौन सी थी? आई थिंक हम सब ने बहुत गलतियां की हैं, और एज ए टीम जब आप गलतियां करते हैं तो आप हारते हैं। और आई थिंक उस मैच में पहले 15 ओवर तक हमने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया उस टीम को, लेकिन आखिर का 5 ओवर का जो मोमेंटम वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ शिफ्ट हुआ, उसके बाद फिर बैटिंग में हम सब ने गलतियां की। जज्बाती खिलाड़ी हैं या फिर सोच समझ कर खेल में फैसले करते हैं? दोनों को साथ लेके चलता हूं। सोचते बहुत हैं, बोलते बहुत हैं या फिर भूल जाते हैं? आपको प्रोफेसर क्यों कहा जाता है? एज ए कमेंटेटर रमीज भाई ने सबसे पहले ऑन एयर बोला, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ जो है लोगों को शायद पसंद आई, और उसको फिर प्रमोट होती गई, और अभी काफ़ी लोग मेरे नाम के साथ प्रोफेसर जो है वो लगाते हैं, बट आई एम नॉट अ प्रोफेसर। नेशनल क्रिकेट एकेडमी पहुंचे, फिटनेस के लिए रोजाना सुबह जिम में एक्सरसाइज करते हैं। घर वापस आए, एज ए ब्रदर माशाल्लाह बहुत अच्छा, लेकिन वो ना मुश्किल है उनको डील करना दूसरों के लिए ना, इसलिए कि कोई नहीं सुनना चाहता जो साफ बात होती है। माशाल्लाह जी हफीज साहब जो हैं वो तो हम तो यही कहेंगे कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो हम आपको उसमें कहें, को हर चीज उसकी अच्छी है। अल्लाह पाक ने इनको ना ठंडी मिट्टी से बनाया हुआ है, इनको गुस्सा नहीं आता, ये सबको अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, सबको लेके चलते हैं, जिस जगह पे जिसकी अहमियत हो उसी को देते हैं। जब वाइफ की जगह होती है जहाँ, तो वहाँ उनको रिस्पेक्ट मिलती है, हमें कभी किसी मौके पे भाई ने पीछे नहीं होने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली के साथ अपने आबाई शहर सरगोधा जाने के लिए रवाना हुए। मैं खुश नसीब हूँ कि इतना अच्छा मुझे दामाद मिला है,
मुझे अब इसमें और बेटों में कोई फर्क ही नजर नहीं आता, इन्हें समझाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि ये मुझे समझाते हैं अक्सर। सब टेबल पे बैठते हैं तो जो पुकारने वाला है वो थोड़ा सा साइड पे खड़ा होता है और अबीज के चेहरे के ताज़रात देख रहे होते हैं कि आप क्या मिलेगा। बाकी लोग बहुत अच्छा है खाने के मामले में इस फैमिली में, क्योंकि मैं इंटर अब हुई हूँ तो पहले तो मेरे क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब जब से मैं इस फैमिली में आई हूँ तो मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट ज्यादा हो गया है। मुझे हफीज भाई की बॉलिंग भी अच्छी लगती है और बैटिंग भी अच्छी लगती है। इंट्रैक्शन बहुत कम होता है, वो चुप रहते हैं, मैं भी चुप रहती हूँ। बेसिकली मुझे इनसे थोड़ा डर लगता है, थोड़ा मैं दूर दूर ही रहती हूँ। कोई पता नहीं किस बात पे आपकी अच्छी खासी कर दें या फिर वो चुप हो जाएं। वो लाइट बेइज्जती करते हैं, मीठी जिसको आप बोलते हैं ना। स्टार बनने के बाद ये मुझे लगता है कि और आजी इनमें आ गई है। हर किसी को ऐसे मिलते हैं जैसे कोई फील ही नहीं कर सकता कि यार ये स्टार है। ये दूसरे की जो है वो खूबी को कम नोट करते हैं, उसकी खामी को ज्यादा नोट करके तनकीद करते हैं। खाना खाया। वो पांच वक्त के नमाजी हैं, नमाज पढ़ने घर की करीबी मस्जिद में आए। तासुर है कि नौजवान जो ही कौमी क्रिकेट टीम में आते हैं अमीर हो जाते हैं रातों रात, क्या वाकई ऐसा? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आते हैं तो आपको जो ग्लैमर और जो इज्जत लोगों की तरफ से मिलती है उसको लोगों को ये लगता है, तासुर ये मिलता है कि जी शायद वो बहुत ज्यादा पैसे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेटर्स को मिलते हैं। तासुर तो ये है कि एक टेस्ट सीरीज खेल रहे या एक दफा बैरूनी मुल्क का दौरा हो जाए तो करोड़ों रुपए कमा लिए जाते हैं। एक मैच की फीस मिलती कितनी है? हम लोग जब एक टेस्ट मैच खेलते हैं तो हमें 3 लाख रुपए मिलता है। आपको शानदार गाड़ियों का शौक है, सब क्रिकेटर्स ने डिफेंस में घर भी नए नए बना रखे हैं, इससे तो लगता है उन्हें काफी पैसे मिलते हैं, शायद मैच के अलावा एडवर्टाइजमेंट से मिलते होंगे। जी वो भी एक आपका सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन आई थिंक जो ज्यादा आपकी इनकम है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो आपको पैसे देता है जो मैच फी की मद में मिलते हैं वही आपका है। वो सरगोधा पढ़ते रहे हैं, सरगोधा यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर से मुलाकात करने आए। हकी ही में हमने कई ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए हैं, क्रिकेट में तो हफीज हैं और मिसबा हैं। क्रिकेटर जायज तरीके से भी बहुत कमा लेते हैं, फिर ये इन्हें जुए का चस्का क्यों लग जाता है? वेरी अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। आपकी इस हवाले से बहुत शानदार साख है, फिर भी बुकियों ने या जुआ लगाने वालों ने कभी ना कभी आपसे रابطہ तो किया होगा? अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अभी तक मेरे साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जहाँ पे किसी ने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की हो। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सरगोधा पहुंचे, खिदमत खल्क के लिए अक्सर डायलिसिस सेंटर में मरीजों की इयादत करते हैं। सुसर का सरगोधा में बहुत बड़ा शू स्टोर है, नन्हे परस्तारों को ऑटोग्राफ दिया। घर वापस आए, शादी तो अरेंज थी, क्या मोहब्बत बाद में हुई? हम एक दूसरे को जानते भी थे और अरेंज मैरिज थी और उसमें मोहब्बत ही थी, थोड़ी बहुत पसंद थी बाकी अरेंज थी। घर में किसका हुक्म चलता है, कप्तान का
या मालकन का? घर के सारे फैसले और सारे हुक्म जो हैं वो मेरे हैं। बाहर भी कप्तान, घर में भी कप्तान, बस थोड़ा करना पड़ता है जी। लेकिन ये है कि घर की तमाम तर जिम्मेदारियां जो है वो बेगम संभालती हैं। क्या वाकई घर में इनका हुक्म चलता है या आपका? मेन हफीज का ही चलता है, उसके बाद मेरा चलता है। जो वो कह दें वही होता है, उसके बाद मेरी जो मैं चाहूंगी वही होगा। लड़ाई किन बातों पर होती है? लड़ाई अल्लाह का शुक्र आज तक नहीं हुई। इख्तलाफ राय वो अपनी वजह से नहीं हुआ होगा, कभी किसी की वजह से, कोई फैमिली मैटर कुछ इस तरह का होगा, वरना हम दोनों की कभी नहीं हुई। अगर झगड़ा हो जाए, थोड़ी बहुत इख्तलाफ राय हो जाए, तो मनाता कौन पहले? नहीं, हम दोनों ही एक दूसरे को समझ जाते हैं। और क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है, पहल मुझे करनी पड़ती है। खावंद का स्कैंडल ना भी बने तो फैंस के फोन से ही बंदा तंग आ जाता है, आपका क्या रद्द अमल होता है? बड़ी सिंपल लाइफ है इनकी, जो है वो सब मेरे सामने। कभी कभी बंदा इरिटेट हो जाता है, लेकिन नॉर्मली अब मेरे पे ज्यादा इन चीजों का असर नहीं होता। मैं उन बीवियों में से हूं जो तंग नहीं होती। जब इन पर गुस्सा आता है तो क्या करती हैं? तो मैं कहती हूँ आप फोन बंद करते हैं। और ये कर देते हैं? हाँ, कभी कभी माननी पड़ती है जी। घर में ज्यादा खर्चीला कौन है, आप या आप? मेरा ख्याल है मैं। तो ये आपको नहीं समझाते कम खर्च करें? कपड़ों के ऊपर समझाते हैं, थोड़े कपड़े कम बनाया करो। और आप ज्यादा बनाती हैं? मुझे लगता है नॉर्मल औरतों से भी ज्यादा। क्या जब कोई नया ड्रेस पहनती हैं तो ये उसकी तारीफ करते हैं? बहुत कम, रोज नहीं, बहुत किसी ओकेजनली। तो आपको बुरा नहीं लगता ये? ना थोड़ा सा फील होता है, लेकिन बाद में ठीक हो जाती हूँ कि ये इनकी नेचर है। क्रिकेट की वजह से इन्हें बहुत अरसा बैरून मुल्क रहना पड़ता है, आप गिला शिकवा तो करती होंगी? गिले कर करके आप खुद खराब हो जाते हो, इनको कुछ नहीं होना, बिकॉज ये इनकी रूटीन है, इन्होंने क्रिकेट ही खेलनी है, तो उसके लिए मेरा साथ कॉम्प्रोमाइज करना इनके लिए ज्यादा बेहतर है। इनकी सबसे अच्छी बात कौन सी है और वो बात कौन सी है जो आपको अच्छी नहीं लगती? बहुत कोऑपरेटिव है और नेचर बहुत अच्छी है, मेरा ख्याल है बाकी मर्दों से बहुत डिफरेंट। खराबी कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं। बेटे को क्या बनाना चाहती है? क्रिकेटर बन जाए तो वो वेल एंड गुड, ना बने तो अच्छा इंसान जरूर बने। वैसे उसे बिजनेसमैन बनने का शौक है। करोड़ जमा कर चुके, अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है कि जरूरत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जिंदगी गुजारूं। गाड़ियां सुना है बड़ा आपका शौक है, कितनी गाड़ियां? गाड़ी मेरे पास 3 है, लेकिन ये शौक नहीं है, वो जरूरत है घर की, बच्चों के लिए, बेगम के लिए, अपने लिए। ग्लैमर भी, दौलत की रेल पेल भी, और फिर कप्तानी भी मिल गई, परवाने और तितलियां तो टूट कर गिरी होंगी। आई थिंक इस लाइफ के अंदर ये सब चीजें आपके साथ हैं, क्योंकि फैन फॉलोइंग आपकी होती है और तमाम लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। क्रिकेट की कई फैंस तो पीछे ही पड़ जाती हैं, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो? जी बिल्कुल ऐसा है, शादी से पहले थोड़ा ज्यादा था, शादी के बाद थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन अभी भी होता है और उसको मैनेज करना पड़ता है आपको। मुल्क मुल्क घूमे हैं, हर जगह का हुसन देखा है, आपको कैसा हुसन पसंद है? मुझे पाकिस्तान अपनी एशियन ब्यूटी जो है वो ज्यादा अच्छी लगती है। क्या मगरबी हुसन आपको अच्छा नहीं लगता? पता नहीं, मुझे कभी भी अट्रैक्ट नहीं किया। आपने अपनी जिंदगी में सबसे खूबसूरत तरीन खातून कहाँ देखी? वो भी देखनी है मैंने। क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे, सरगोधा से नए टैलेंट को सामने लाने के लिए नौजवानों की खुद कोचिंग करते हैं। सरगोधा की इन्हीं ऊंची नीची ग्राउंड्स में खेलते खेलते इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए, क्या इस धरती का वही कर्ज लौटाने आए हैं? पाकिस्तान के जो टैलेंटेड यूथ हैं उनको स्पोर्ट्स गाइडेंस देने के लिए, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स गाइडेंस देने के लिए ये एक प्रोजेक्ट है जो मैंने खुद शुरू किया। इसी ग्राउंड के अंदर अपनी जो है मैं ट्रेनिंग करता था, पूरी प्रैक्टिस करता था, यहीं पे मैचेस खेले हैं। कितनी ट्रेनिंग करते थे? 3-4 घंटे लग जाते थे ट्रेनिंग और अपने अपने स्किल्स लेवल को अपने रोजाना मेंटेन करने में। क्रिकेटर मिसबाउल हक से याराना भी तो इन्हीं ग्राउंड्स में ही हुआ ना? मिसबा जो था वो मियांवाली से था और मैं क्योंकि बाय बर्थ आई एम फ्रॉम लाहौर, लेकिन मेरी जो स्टडी और क्रिकेट का सारा कैरियर वो सरगोधा से शुरू हुआ, तो यहीं पे हम दोनों आपस में मिलके बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग किया करते थे और यहाँ के कुछ लोग और मुख्तलिफ लोगों की राय होती थी कि ये पागल हो गए और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, इन्होंने कौन सा पाकिस्तान खेलना है। जब टेप बॉल खेलते थे तो कहा जाता है कि मुख्तलिफ टीमें
आपको साथ ले जाती थी, इनाम भी देती थी और अपनी टीम की तरफ से शामिल करके खिलवाती थी कि छक्के मारेगा। शायद अच्छा करता था तो लोग उसको ज्यादा प्रेज भी करते थे और शायद अब तक लोगों को वो चीजें याद हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी टेप बाल की तरह ही खेलते हैं। मेरा नेचुरल फ्लेयर जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने का है और उसी को अपनी अपनी वनडे और T20 के अंदर अप्लाई करता हूँ। गुरबत को बहुत करीब से देखा, क्या कभी फाका भी किया? जी बिल्कुल, आई एम फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। मेरे वालदैन ने सारी ज़िंदगी मेहनत करके हमें अच्छी तालीम जो है हमारे मेरे बहन भाइयों को दिलाने की कोशिश की। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि कोई चीज़ लेने को दिल चाह रहा हो, कुछ खाने को दिल चाह रहा हो और गुरबत की वजह से ऐसा ना कर सके? इसमें मेरे पेरेंट्स को मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने हमारी जायज जरूरियात को हमेशा पूरा किया, चाहे उन्होंने फाके काटे होंगे। एशियाई ब्यूटी में क्या पसंद है आप? गंदमी रंग पसंद है। गुलुकार या गुलुकारा कौन सी पसंद है? कौन से गाने के बोल अच्छे लगते हैं? नूरजहां पाकिस्तान से, नुसरत फतेह अली खान के बाद जो है राहत अली खान पाकिस्तान से, लेकिन जो मेरा जो टेस्ट है जो मुझे अच्छा लगता है वो 70s के बेहतरीन गाने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बूढ़ी रूह आप में हलूल कर गई हो? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मुझे रोमांटिक जो 70s के 80s के खूबसूरत गाने हैं वो सुन के बहुत मजा आता। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। घर वापस आए रात को करीबी रिश्तेदारों को खाने पे मधु किया। T20 वर्ल्ड कप में टीम की खराब कारकर्दगी की वजह क्या है? टीम की अंदरूनी लड़ाइयां या फिर कप्तान पर अदम एतमाद? नहीं, दोनों वजूहात नहीं है। आई थिंक एज ए टीम हम लोग अच्छा नहीं खेल सके। हमारे इनफॉर्म बैट्समैन जो थे वो एक एक इनिंग्स में परफॉर्म कर सके, उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, तो ये होता है। शाहिद आफरीदी कप्तान बनने के लिए अपनी वाज़े रजामंदी का ऐलान कर चुके हैं, क्या टीम उन्हें अपना लीडर मान लेगी? हम सब लोग जो कोई भी कप्तान बनेगा उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको दोबारा कप्तान बनाने की पेशकश की जाए तो क्या कबूल कर लेंगे? पाकिस्तान की सर्विसेज के लिए हमेशा हाजिर। आप अच्छे कप्तान साबित होंगे या शाहिद अफरीदी? दोनों अच्छे हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी जो कप्तानी के अंदर उनके भी रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, मेरी भी कप्तानी में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स रहे हैं। पाकिस्तान की टीम जब मैंने कप्तान बना था तो 9वें नंबर पे थी और जब अभी मैंने छोड़ा है तो 3रे नंबर पे है, तो उसमें परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग रही है। कहा जाता है कि आपने सिलेक्शन कमेटी को मजबूर किया कि वो शोएब मलिक, सुहेल तनवीर और कामरान अकमल को खिलाए, हालांकि वो ऐसा नहीं चाहते थे। जी नहीं, आई थिंक ये झूठ है क्योंकि जो सिलेक्शन थी वो ऑलरेडी डन हो चुकी थी। ये तो सच है ना कि आपने इन तीनों खिलाड़ियों के नामों पर राय दी और इन्हें खिलाना चाहा? पूरी टीम के हक में राय दी थी, जो 15 मेंबर स्क्वाड बना था वो मेरी राय के बाद ही बना था, नॉट अबाउट 3 पीपल, अबाउट 15 मेंबर्स। जनूबी अफ्रीका के बॉलर स्टेन ने आपको 15 मरतबा आउट कर दिया, क्या आप उसके नफसियाती दबाव में आ जाते हैं? उसमें कोई नफसियाती नहीं था, ये था कि मैंने भी गलतियां की और वो भी दुनिया का नंबर वन जो है वो बॉलर है। हर खिलाड़ी ने आखिर एक ना एक दिन तो रिटायर होना होता है, आपने क्या मनसूबा बंदी की है? जी अभी कोई इसकी खास प्लानिंग नहीं की, क्योंकि अभी अभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए मैं अगले 4-5 साल खेल सकता हूँ और पूरी कोशिश करूंगा कि जितना भी खेलूं पाकिस्तान के लिए उसमें पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाऊं। फिल्में तो देखते होंगे, कौन सी भारतीय अदाकारा ज्यादा अच्छी लगती है? जो करीना कपूर की सक्सेस है वो भी बड़ी बड़ी आउटस्टैंडिंग है और जिस तरह वो अपने आप को कैरी करती हैं वो भी आउटस्टैंडिंग है और खूबसूरत भी हैं। इसके साथ दिया मिर्जा मुझे पसंद है।